जैसे 90s का फैशन वापस आ गया है, 90s के गाने रीमेक होकर वापस आ गए हैं, अब साथ ही वापस आ गई है 90s की फिल्मी कहानी। योलो हाय, मैं ओमेगा और मैं लेकर के आ चुकी हूँ बाजी टॉकीज। आज रिव्यू करेंगे 2019 की मच अवेटेड फिल्म दबंग 3 को। पिक्चर में आपको दिखाया देंगे हमारे सलमान खान, उन्हीं के साथ दिखेंगे सोनाक्षी सिन्हा, सुपरस्टार सुदीप दिखेंगे और डेब्यू करती हुई साई मांजरेकर। अब भाई की फिल्म है, स्टोरी कैसी होगी सोचने की भी जरूरत नहीं है। चुलबुल पांडे अपनी रज्जो के साथ वापस आए हैं पूरे 7 साल के बाद। फिल्म की कहानी में बैक स्टोरी है थोड़ी, एंड हमें पता चलता है कि कैसे वो धाकड़ पांडे से बने हैं चुलबुल पांडे। काफी ग्रैंड एंट्री होती है भाई की, और शुरू से ही ना वो एक्शन में है। काफी नई चीजें हैं वैसे इसमें, जैसे उनके चश्मे रखने का अंदाज, हुड़ हुड़ दबंग की बजाय चुलबुल दबंग कहलाना, मुन्ना बदनाम भी तो है। और अभी के लिए जान लेते हैं कि जनता जनार्दन को कैसी लगी पिक्चर। लगता है कि पूरी फिल्म सलमान ही कर रहे हैं, सलमान ही डायरेक्ट कर रहे हैं, सलमान ही लिख रहे हैं, सलमान ही सब। रिपीट रिपीट वही है, दबंग ही है। फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है, सेकंड हाफ में तो काफी अच्छा कवर कर लिया उन्होंने। फिल्म में एक्शन बहुत अच्छा है, विलन स्पेशली बहुत अच्छा रोल है। वैसी ही लगी जैसे सलमान खान की बाकी फिल्में होती हैं। कहानी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अच्छी लगी मूवी, बिल्कुल सलमान स्टाइल वाली। पहले की जो दबंग मूवी थी वो बेहतर थी इस दबंग से। सलमान खान फिल्म में पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष बने हैं। वो चलते हैं तो धूल उड़ती है, वो हाथ का एक इशारा करे तो जमीन क्रैक हो जाती है, वो सुरीला गाते हैं और सॉलिड नाचते हैं, विलन्स को भी वो तसल्ली से धोते हैं, वो अपने राष्ट्र और अपने घर दोनों का ख्याल रखते हैं, और बिना एविएटर्स पहने तो प्रूव आप कर ही नहीं पाएंगे कि वो पुलिस में है। एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा, हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। सोनाक्षी का प्रेजेंस अच्छा है स्क्रीन पर, मगर वहीं साई का रोल छोटा है मगर याद रहती है वो थ्रू आउट। सोनू सूद और जावेद जाफरी को मिला दें तो बनते हैं हमारे इस फिल्म के विलन, जो कि है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टार सुदीप। उनकी एक्टिंग अच्छी है, उनको काफी डार्क विलन दिखाया गया है फिल्म में। अरबाज खान भी तो है फिल्म में, क्योंकि घर की तो प्रोडक्शन है। कुछ कुछ चीजें जो फिल्म को पुल डाउन करती हैं वो है हर फाइट सीक्वेंस के बाद एक गाना, जैसे फिल्म खिंच भी जाती है। मूवी में यूपी की भाषा में बात हो रही है मगर वो कभी जयपुर में है, कभी मध्य प्रदेश में है, कभी किसी गाँव में है, तो आपको कैचअप करना होगा कि भैया आखिर आप है कहाँ पे। लंबी काफी है फिल्म तो रज के बैठना। ऑल्सो भाई का एक्सरसाइज रूटीन अगर जानना चाह रहे थे तो इस फिल्म में लग जाना है आपको, पता वो भी फुल ऑन। कहानी प्रेडिक्टेबल है और कॉमेडी सीन्स स्मूथ नहीं बल्कि जबरदस्ती के लगते हैं। सर हमारे प्रमोशन का क्या होगा सर? आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, हर किसी सर सपनों में भी नहीं सर। आई लव यू सर। आई लव यू टू। मगर फिल्म में जब हो सलमान खान और उनका स्वैग तो मूवी ने तो करना ही है कमाल। भाई की भारत तो आ गई है 200 करोड़ फिल्म क्लब में, और दबंग 3 ने भी छू जाना है उस मार्क को जल्द ही। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 1, 2, 3 स्टार्स। आ ही गया है वीकेंड, भाई के फैन हो या मसाला बॉलीवुड एंटरटेनर देखना चाहते हो, इच्छुक हो तो होकर के आ जाओ। मैं उमेगा, आपको मेरे रिव्यूज कैसे लगते हैं आप मेरे को कॉमेंट्स में बता सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी एक और फिल्म रिव्यू के साथ, तब तक के लिए मेगा की तरफ से टूटा।